हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूँगा अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस देखें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं दोस्तों उस पर। दोस्तों, आज हम किसी पेड़ पौधे के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बात हम करेंगे दोस्तों एक पेड़ हमको क्या क्या देता है, कुछ ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते, गार्डनर होने के नाते हम सभी को जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारी जानकारियां आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों कहते हैं एक डेटा के हिसाब से कि 3500 लीटर बराबर का पानी वर्ष भर में एक सामान्य साइज का पेड़ अगर वो स्वस्थ है तो बरसा देता है। दोस्तों, यानी इतना पानी हमको प्रकृति से मुफ्त में मिलता है दोस्तों, एक पेड़ से केवल। अगर पूरा का पूरा एक अच्छा सा, एक एवरेज साइज़ का वेल डेवलप्ड पेड़ है तो लगभग 100 kg के आसपास ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। दोस्तों, 20 kg के आसपास लगभग पूरे साल भर में, यानी एक साल में वो डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। डस्ट बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। दोस्तों, आप देखते होंगे सड़क के किनारे जब आप चलते होंगे तो कितना सारा डस्ट पेड़ों पर पड़ा रहता है। दोस्तों, सब एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों वो। सूखे पेड़ में अगर वो पेड़ सूख जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन भी होता है। दोस्तों, यही वजह से है कि जब उनको बर्न किया जाता है तो कितने धुओं के माध्यम से बहुत सारे कार्बन रिलीज होते हैं, उसके लिए हमको मना भी किया जाता है हम सभी को। इसीलिए दोस्तों प्रभु और प्रकृति में कोई अंतर ही नहीं है। बस अंतर क्या है, पेड़ पौधों का पालन ईश्वरीय पूजा के बराबर है दोस्तों, और अंतर सिर्फ इतना है कि हमने प्रभु को देखा नहीं है लेकिन महसूस किया है, और ये प्रकृति में एक है कि हमने प्रकृति को देखा भी है और महसूस भी किया है। दोस्तों, इसे हम प्रकृति का उपहार मानते हुए रक्षा करना हमारी जरूरी है, जिम्मेदारी है। दोस्तों कहते हैं दोस्तों कि अगर हम पर हेड की बात करें कि यानी एक आदमी के ऊपर लगभग कितना पेड़ है अपने देश में तथा कुछ बड़े देशों में, तो दोस्तों निकल के आता है कनाडा में लगभग 9000 के आसपास पेड़ हैं पर हेड, यानी एक आदमी के लिए 9000 पेड़ वहाँ। तो आप सोचिए वहाँ पर पानी, ऑक्सीजन और पॉल्यूशन, ये सब कितना वेल मैनेज्ड होगा। रसिया में 4400 के आसपास हैं दोस्तों, 4400-4500 के आसपास पेड़ हैं वहाँ पर हेड। अमेरिका में 700 के आसपास हैं दोस्तों पेड़। चाइना में लगभग कम है, 100 के आसपास पेड़ बैठते हैं। अब आप देखिए चाइना जैसे ही आए, चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, 100 के आसपास है। और इंडिया में दोस्तों डेटा आप सोचेंगे आप व्याकुल होंगे, जाने के लिए कितना है वो दोस्तों बहुत कम है, 28 के आसपास। दोस्तों हमारे यहाँ पेड़ कम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, पेड़ कम नहीं है, पेड़ बहुत हैं। बस फर्क यह है कि जब हम पर हेड से कैलकुलेट करते हैं तो आबादी इतना ज़्यादा है कि वो पर हेड जाके कम हो जाता है। यानी आबादी की तुलना में हमें प्राकृतिक संसाधनों को भी बढ़ाना होगा, तभी दोस्तों ये धरती हमारी, भारत देश हमारा रहने लायक रह जाएगा, अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित जगह होगी, अन्यथा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और प्रकृति जन्य मुश्किलें जब खड़ी होती हैं तो इसका इलाज शायद विज्ञान भी नहीं दे पाता उस वक्त। उम्मीद है दोस्तों ये तथ्यात्मक जानकारी आपको काम आएगी, और आप इसको अपने घरों के सामने जो भी है पेड़ लगा करके आप अपनी जिम्मेदारियों को जरूर निभाएंगे। थैंक यू दोस्तों।